हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यार, आप लोगों ने काफ़ी टाइप की कॉर्डलेस ड्रिल मशीन देखी होंगी और कुछ एक का रिव्यू हमने भी अपने चैनल पे किया है। लेकिन गाइज, आज जो मैं आपको कॉर्डलेस ड्रिल मशीन बताने वाला हूँ, ये एक ऐसे फीचर के साथ में आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी है और यूज़फुल भी है। तो गाइज, ये मशीन आती है कजार ब्रांड की तरफ से और ये बढ़िया सा बॉक्स भी इसके साथ में आपको मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है इसका यूज़र मैनुअल, अगर आप चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं। गाइज, मैं पहले सारे बॉक्स कंटेंट बाहर निकाल लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो इसके साथ में गाइज आपको एक हैंडल मिल जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल मशीन है इसलिए आपको इसके साथ में एक हैंडल मिलता है। इसके बाद गाइज आपको इसके साथ में एक 21 वोल्ट 4 AH की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, जो कि इस मशीन को सभी सेंटली रन कर देगी। और गाइज यहां से आप बैटरी कितनी चार्ज है वो भी देख सकते हैं। गाइज, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको एक 3 एम्पियर का बेस चार्जर मिल जाता है, जो कि इस बैटरी को लगभग 50 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देगा। और इसके अलावा एक स्क्रू बिट मिल जाती है और एक बेल्ट हुक मिल जाता है। और गाइज, ये है हमारी मेन यूनिट कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा। तो गाइज, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है। और गाइज, उसका ब्लैक कलर है ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइज, यहाँ पे आपको रबड़ की हैंड ग्रिप मिल जाती है, जिससे कि आपके हाथ स्लिप नहीं होते और काम करने के दौरान आपकी जो पकड़ है मशीन पे मजबूत रहती है। यहाँ फ्रंट में आपको कजार की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसके जस्ट बैक साइड में गाइज यहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल डिटेल देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें ब्रशलेस DC मोटर का यूज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 21 वोल्ट पे ये रन करती है। 13 M तक का जो ड्रिल बिट है इसमें अपन लगा सकते हैं। 80 Nm इसका टॉर्क है, जो कि काफी ज्यादा होता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 1750 RPM है और नीचे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। गाइज, अगर आप कहीं ऊंचाई इस मशीन से काम कर रहे हैं तो सिंपली आप इस बेल्ट हुक की सहायता से इस मशीन को अपने बेल्ट में हैंग कर सकते हैं। ये बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं। गाइज, ये इसका ड्रिल चक है और ये पूरा मेटल का बना हुआ है। इसमें अपन 1.5 से लेकर 13 M तक की शैंक वाली ड्रिल बिट लगा सकते हैं। बैटरी को लगाने के लिए सिंपली आपको इस टाइप से स्लाइड करना है, तो बैटरी यहाँ पर लॉक हो जाएगी। और बैटरी को निकालने के लिए जो आप एक बटन देख रहे हैं इसको दबाएंगे और बैटरी को खींचेंगे तो बैटरी इजिली बाहर निकल जाएगी। गाइज, ये इस मशीन की मेन स्विच है, इसी से ऑन ऑफ होती है और इसी से आप इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। गाइज, इस बटन से आप इसके डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। तो अगर ये बटन इस टाइप से रहेगी तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, और अगर ये इस टाइप से रहेगी तो ये मशीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। और गाइज, अगर आप इसकी बटन को बीच में कर देंगे तो इसकी जो मेन स्विच है वो लॉक हो जाएगी। इस टाइप से देख सकते हैं आप। गाइज, इसमें हमको 3 अलग अलग मोड मिल जाते हैं। तो अगर हमको वुड में, मेटल में या फिर प्लास्टिक में होल करना है तो इसे हम ड्रिलिंग वाले मोड पे रखेंगे। अगर हमें स्क्रू करना है चाहे तो मेटल में या फिर वुड में, तो इसे हम स्क्रू वाले मोड पे रखेंगे। और गाइज, अगर हमें कॉन्क्रीट में या फिर दीवार में होल करना है तो इसे हम हैमर वाले मोड पे रखेंगे। गाइज, इसमें स्क्रू वाले मोड के लिए 1 से लेकर 20 तक की टॉर्क सेटिंग दी गई है। तो स्क्रू करते समय आपको कितने टॉर्क की आवश्यकता है वो आप इससे सेट कर सकते हैं। गाइज, इसमें आपको 2 गियरबॉक्स स्पीड मिल जाती है, तो अगर आप इसको पहले वाले पे रखते हैं तो थोड़ी स्पीड कम मिलेगी आपको और सेकंड वाले पे स्पीड आपको ज़्यादा मिलने वाली है। गाइज, इसमें एक LED लाइट भी दिया गया है, जो कि रात के टाइम में काम करते वक्त काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मशीन में हैंडल को लगाने के लिए सिंपली आपको जो हैंडल के क्लैंप्स हैं उनको मशीन के ग्रूव्स में लगाना है और टाइट कर देना है, तो यहाँ पर जो आपका हैंडल है वो अच्छे से लग जाएगा। गाइज, बैटरी को चार्ज करने के लिए सिंपली पहले चार्जर को ऑन करने के बाद में बैटरी को चार्जर में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चार्जर का रेड LED है वो जल चुका है, मतलब बैटरी की जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो गई है। जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो उसका ग्रीन LED जल जाएगा। अब गाइज, टाइम आ चुका है इसकी टेस्टिंग करने का। तो सबसे पहले हम इससे स्क्रू टाइट करके देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक सागौन की लकड़ी है, इसमें हम ट्राई करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन ने काफी ज्यादा आसानी के साथ में स्क्रू को टाइट कर दिया है। अब गाइज, हम 25 mm मतलब 1 इंच वाली इस बिट से लकड़ी में होल करके देखने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक गाइज लगभग 1.5 इंच मोटी लकड़ी है सागौन की, इसमें हम ट्राई करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपके सामने 1 इंच डायमीटर का होल बहुत ही आसानी से हो चुका है। गाइज, अब हम मेटल में होल करके देखने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक 3 mm मोटाई का लोहे का टुकड़ा है, जिसमें हम 10 mm की बिट से डायरेक्टली होल करके देखने वाले हैं।
गाइज ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि गाइज 3 mm मोटे लोहे के पट्टी में डायरेक्टली 10 mm की बिट से होल करना जनरली उतना आसान होता नहीं है, लेकिन इस मशीन ने कर दिया है वो भी इतने कम समय में। अब गाइज हम इस 6 mm की कंक्रीट में होल करने वाली बिट से दीवार में और कंक्रीट में होल करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हैमर मोड ऑन कर लिया है। तो गाइस दीवार में तो आसानी से होल हो ही गया था, लेकिन जो हमारी घर की छत होती है लेंटर होता है जो कंक्रीट वाला, उसमें भी आप देख सकते हैं गाइस काफी इजीली इसने होल कर दिया है। गाइस मैं आपसे जिस यूनिक फीचर के बारे में बात कर रहा था वो ये है, बेसिकली गाइस ये एक बर्मा है जिसे आप इस मशीन में अटैच करके जमीन में 2.5 फीट गहरा गड्ढा कर सकते हैं। और इसमें आप जो टिप देख रहे हैं गाइस ये हाई कार्बन स्टील की टिप है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस ड्रिल चक को खोलना पड़ेगा और उससे पहले हमें इस चक स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्रिल चक खुल चुका है, अब हम इस बर्मा को इसमें लगा देंगे और अब हम चलते हैं ग्राउंड में। तो गाइज यार हमने आपके सामने बहुत ही कम समय में इस मशीन के द्वारा जमीन में 2.5 फीट गहरा एक परफेक्ट होल कर दिया है। तो इसे देखने के बाद आपको इसकी ताकत का अंदाजा लग ही गया होगा। गाइज अगर आप इतना गहरा गड्ढा किसी मैनुअल टूल से करते तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको तकरीबन आधा घंटा लग जाता, लेकिन गाइज इस मशीन ने महज 20 से 25 सेकंड में एक परफेक्ट होल कर दिया है। तो अगर आप एक कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर आप DIY हैं तो फिर तो आपके पास ये होनी चाहिए, लेकिन अगर आप टेंट वगैरह लगाने का काम करते हैं खेतों में या फिर ग्राउंड्स में तरवाड़ी करने के लिए जो गड्ढे करने पड़ते हैं उस केस में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इवन आपको जो पौधे लगाने के लिए गड्ढे करने पड़ते हैं ज़मीन में उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसे परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस लिंक के थ्रू आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।